रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ कोट लखपत जेल से रिहा कर दिए गए। जावेद लतीफ की जमानत एडिशनल सेशन जज ने गुज़िश्ता रोज मंजूर की थी और इसके लिए दो जामिनों ने 2-2 लाख रुपए के मचलके जमा करवाए। मुस्लिम लीग नून के एमएनए जावेद लतीफ लाहौर के कोट लखपत जेल से रिहा। रिहाई के बाद जावेद लतीफ ने कहा कि मुफाहमत का वक्त गुजर चुका, ताकतवर और कमजोर में मुफाहमत नहीं होती। मुफाहमत का वक्त गुजर गया, लोगों को धोखा देने का वक्त गुजर गया। मुफाहमत उनके दरमियान होती है जो बराबर हों, और कभी ताकतवर के साथ कमजोर की मुफाहमत नहीं होती। जावेद लतीफ के वकील का कहना था कि अदालत ने हमारे मौकफ को दुरुस्त तस्लीम किया कि इस पेज में किसी मखसूस इदारे का नाम नहीं लिया गया। जज साहब ने इंडोर्स करते हुए कहा कि कोई भी स्पेसिफिकली किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कोई किसी किस्म का कोई इसमें किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन का नाम लिया गया है। फर्दर एक अप्रीहेंशन है और माइट भी अप्रीहेंशन हो सकती है कि किसी भी इदारे के खिलाफ ही हो सकता है। जावेद लतीफ की जमानत एडिशनल सेशन जज ने गुज़िश्ता रोज मंजूर की थी। इस दौरान जमानतों में 2-2 लाख रुपए के मचलके जमा करवाए थे, जिसकी तस्दीक एडिशनल सेशन जज हफीजुर रहमान ने की थी। जावेद लतीफ पर रियासत मुखालिफ बयान पर टाउनशिप पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। उन्हें अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था।